असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। मदरसों को लेकर अक्सर उनके बयान सामने आते हैं। शर्मा ने एक बार फिर मदरसों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बहस छिड़ गई। 17 नवंबर को हिमंत बिस्व शर्मा राजस्थान के जयपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि मदरसा प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित मदरसों का नियमन होना चाहिए, छात्रों के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए वहां से निकलने का विकल्प मिलना चाहिए। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मदरसे सिर्फ धर्म की शिक्षा देने की संस्था नहीं होनी चाहिए, हमें पूरी मदरसा प्रणाली में आमूल चूल बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तंखा देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है अलग बात है, लेकिन असम में जैसे 700 मदरसा चलता था, सरकार तंखा देता था, सरकारी तंखा से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है, बच्चा का साइल राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा मदरसा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहां जहां सरकार तंखा देता है, जैसे बंगाल में देते है, असम में देते थे, ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। हिमंत बिस्व शर्मा इससे पहले कह चुके हैं कि नए भारत को मदरसों की जरूरत नहीं। उधर असम सरकार ने सरकारी मदरसों की छुट्टियों को लेकर अहम बदलाव किए हैं। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि मदरसों में शुक्रवार या रमजान के महीने में छुट्टी की इजाजत नहीं होगी। हालांकि शुक्रवार को नमाज के लिए एक घंटे का ब्रेक लिया जा सकेगा। शर्मा ने कहा कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो शुक्रवार को छुट्टी की इजाजत देता हो। ऐसे में मदरसे में एक हफ्ते में दो छुट्टियां नहीं हो सकती। शिक्षकों को शुक्रवार की सैलरी बढ़ाने के नाम पर मिलती है। शर्मा ने कहा कि सरकार किसी धर्म के विरोध में नहीं है। अगर मदरसे रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं तो वो राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।